तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए तड़कता भड़कता ब्रेकिंग न्यूज, जो कि आपको पता ही होगा रिलेटेड है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बहुत सारे बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स ने अपना व्यू दिया है इस टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ऊपर एंड इसके ऊपर कि क्या टिकटॉक बैन होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मोस्टली सेन का। और कुछ वीडियो सरफेस हुए जो देख के मेरा खून खौला। एक वीडियो था जिसमें एक बिल्ली को रस्सी से बांध के लटकाया गया है, दूसरा वीडियो था जिसमें कुत्ते के हाथ पांव मुंह बांध कर उसको पानी में फेंकने वाले हैं, तीसरा एक वीडियो था जिसमें 7-8 साल के बच्चे हैं जो लव मेकिंग सीन्स एनेक्ट कर रहे हैं, चौथा वीडियो था जिसमें देयर वाज अ गर्ल हु इज लुकिंग जो फटे हुए कपड़ों में, हु इज फीलिंग वेरी बैड अबाउट व्हाट एवर हैज हैपेंड टू हर, एंड देयर आर बॉयज जो अपनी पैंट पहन रहे हैं, बेल्ट लगा रहे हैं। सो द डिपिक्शन इज कि लड़कों ने अभी अभी लड़की का रेप किया है, एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक व्हाट द इज गोइंग ऑन, बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर इस पूरे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी से कोई पॉजिटिव चीज निकली है देन इट इज दिस, कि ये वीडियोस मेरे पास पहुंचे या मेरे फीड में आए क्योंकि दीज वो बींग रिपोर्टेड, क्योंकि दीज वो बींग शेम्ड। हम सारे कंज्यूमर्स एक्टिवली इन वीडियोस को पकड़ के इंटरनेट पे दिखा रहे हैं कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इसको बैन करो, एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। क्योंकि इट्स नॉट लाइक ये वीडियोस अभी आए, ये वीडियोस हमेशा से रहे हैं, ये वीडियोस बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा से रहे हैं, और शायद उस टाइम पे भी कुछ लोगों का खून खौला होगा, बट उस टाइम पे बंदा ये सोचते ना कि अकेला बंदा मैं रिपोर्ट करके क्या कर लूंगा, उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, मिलियंस ऑफ लाइक्स हैं, व्हिच इज व्हाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट कैरी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन। आई एम वेरी हैप्पी दैट कैरी सेट द बॉल रोलिंग, जिसका डोमिनो इफेक्ट ये हुआ है कि हम फाइनली we are looking through the stereotypical cringy or whatever content and going to these layers of seeing things that are so horrible. इसी के साथ टेक्निकल गुरुजी ने भी अपना व्यू दिया है क्या टिकटॉक को इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं। इनफैक्ट मैंने ऐसा ऐसा कंटेंट देख लिया है भाई, मतलब लगता है कि यार कैसे ये था इस ऐप के ऊपर, और चारों तरफ से यही आवाज उठ रही है कि भैया टिकटॉक को बैन करो। तो अब उम्मीद तो यही करते हैं कि भाई टिकटॉक जो है वो बस जल्दी ही बैन हो तो कुछ चीज सामने निकल के आए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी ने रिसेंटली कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, जो कि है मोस्ट सब्सक्राइबर्स गेन्ड इन अ डे, मोस्ट सब्सक्राइबर्स गेन्ड इन अ वीक, मोस्ट सब्सक्राइबर्स गेन्ड इन अ मंथ। मोस्ट सब्सक्राइबर गेन इन अ मंथ में प्यूडीपाई का नाम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अभी तक एक महीना नहीं हुआ है और कैरी मिनाटी का अभी तक एक महीना हुआ नहीं है। तो इसमें प्यूडीपाई का है 66,17,000 और कैरी मिनाटी ने लगभग 75 लाख का सब्सक्राइबर्स गेन किया है अभी तक। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो रिसेंटली ट्विटर में आशीष चंचलानी ने 1 मिलियन फॉलोवर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक पोस्ट किया था, उसी पोस्ट के नीचे एक फॉलोवर ने उनसे ये ट्वीट किया कि भाई कैरी क्रॉस कर गया, आपको क्या कहना चाहेंगे। तो उस पर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी ने कहा, भाई है वो अपना, नथिंग बट लव फॉर हिम, ऐसा बोलना पड़ता है, बट ऑन अ ऑनेस्ट नोट वी ऑल आर लाइक ब्रोस, ये नंबर गेम से फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक के प्यार से पड़ता है। एंड उसी पोस्ट के नीचे फिर से एक ने कमेंट किया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बिकेम थर्ड मोस्ट सब्सक्राइब इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल इन इंडिया, हा, थैंक यू मैन, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, शुक्र है, प्यार तो है पब्लिक का और कुछ नहीं चाहिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर फैजू के बारे में। तो रिसेंटली एक लॉयर है जिनका नाम है अली काशिफ देशमुख, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल किया है मिस्टर फैजू के खिलाफ। उनका एक रिसेंट वीडियो में उन्हें दिखाया गया है कि वो कैसे एक लड़की को डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं उसके साथ। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए।